तो हूँ बा मैं जो रात तुझे स्टार बना दूबल <laughs> <ट्रेबल> जिता ओके दू। <laughs> okay, थोड़ा कम जी गया कोई बात नहीं तो न्यूकासल यूनाइटेड के पास नए ओनर्स हैं सपोजिटली मतलब अभी डेफिनेटली हंड्रेड परसेंट कन्फर्म नहीं हुआ बट सऊदी अरेबिया का पैसा हर क्या बात कर रहेगा न्यूकासल यूनाइटेड टेक ओवर हो रहा है एंड ये ऑब्वियसली बातें काफी टाइम से चौधरी ऑब्वियसली तीन चार साल हो चुके जो भी है बट इस बार ये सबसे ज्यादा लाइकली लग रहा है और वो भी इस टाइम पे जब कोरोना वायरस चल रहा है जब फाइनेंशियली हर कुछ चुदा है वट एन आयरनी बट कहा जा रहा है कि जो माइक एशली है जो अभी करंटली न्यूकासल का ओनर है उसकी जो उसकी जो चीज है उसके बिजनेस ठप हो रहे हैं इस टाइम पे सो मे बी वॉन्ट दिस एक्स्ट्रा कैश क्योंकि इससे पहले भी वो क्लब सेल करने को रेडी था बट प्राइस उसका आस्किंग का बहुत ज्यादा था वो कम हो चुका है पहले 450 मिलियन था अब शायद 340 हो चुका है जो भी है एंड ये पे कहा जा रहा है कि जो एल ओ आई है जो लेटर ऑफ इंटेंट है जो भी है डॉक्यूमेंटेशन चल रही है यानी कि तीन चार हफ्ते में न्यूकासल शुड बी इन सऊदी अरेबियन हैंड्स एट्टी परसेंट उनका स्टॉक शेयर जो भी है मार्केट चुप हाँ तो चीटिंग हो गया ये चीटिंग है मैं नहीं खेल रहा है चीटिंग है ये तो भाई हो गया कि काफी स्ट्रगल किया काफी जैसे कि जी टी एम ने जी टी ए सिलेंड्रेस मान लो फिर वाई सी टी मान लो वाई सी टी मान लो मिशन कर रहे हैं वो नहीं होता जी जी वाला मिशन जी टी एड्रेस में मेरे से लौड़ा कभी नहीं हुआ कर रहे हैं फिर एंड में क्या किया गूगल पे गए वो वाली फाइल ले ली और डाउनलोड ये चीटिंग हो गया ये तो होगा कि फैनी मैग्नेट चीट कोड डाल दिया या फिर अनलिमिटेड मनी मुझे फैनी मैग्नेट जब तो। अनलिमिटेड डाल दिया मनी और अब बचा लो हम तुम चीटिंग यार तो मेरा मेन क्वेश्चन ये उठता है कि क्या फुटबॉल यहीं तक रह गया कि अब क्या पैसा इतना ज्यादा इतना ज्यादा सुपेरियोरिटी रखता है कि वो बचाएगा और कुछ नहीं फुटबॉल ब्रेन्स की रिस्पेक्ट नहीं है जैसे कि जिस हिसाब से लेस्टर सिटी प्रीमियर लीग जीती है उसकी रिस्पेक्ट नहीं है जिस हिसाब से आयास चैंपियंस की सेमीफाइनल तक पहुंची उसकी रिस्पेक्ट नहीं है या फिर पैसे की क्या करें। आ, तो आज हम बात करने वाले हैं इस अमेजिंग टॉपिक के बारे में कतल कतल टॉपिक और मैं अब तुमको एक कहानी सुनाने वाला हूं तुम्हारे बम्स खड़े हो जाएंगे तुम्हारे रोंगते खड़े हो जाएंगे मजाक नहीं कर रहा तुम बोलो कि यह पॉसिबल कैसे माइक एशली न्यूकासल यूनाइटेड प्रोटेस्ट यूनाइटेड का डाउनफॉल ये तीन चीजें सुनते सुनते दो, जब से मैंने फुटबॉल देखना स्टार्ट किया सुनता रहा हूं और मैंने कभी अटेंशन पे करी नहीं क्योंकि मैं Newcastle को फॉलो नहीं करता नो इंटरेस्ट कोई बात नहीं बट अब तो करना पड़ेगा भाई माइक एशली जो अभी न्यूकाशल का ओनर है अभी भी मान लो अभी भी है वो तेरह स... वो तेरह साल से इस क्लब को ओन करता है तेरह साल से 2007 में 2007 में 134 मिलियन में क्लब को खरीदा था ठीक है और वो तेरह साल से कैसे टिक गया तुम हैरान हो जाओगे तुम हैरान हो हो जाओगे। उसने करतूतें तुम्हारे खड़े मैं कर में थी, रही थी। क्लब, फैन बॉय सर ने क्लब को खरीदा वो ओनर बना क्लब का 1992 में न्यूकासल थर्ड डिवीजन में सड़ रहा था ये क्लब सड़ रहा था केविन कीगन को साइन किया नया मैनेजर उसने थर्ड डिवीजन से 1992 में 1996 में सेकंड फिनिश करा टीम को प्रीमियर लीग में यूनाइटेड को टक्कर दी टाइटल के लिए एंड दे वर कॉल्ड में हार गए प्रीमियर लीग उसके अगले सीजन दे अगेन की चैंपियंस लीग प्लेसिज चल रही है सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फिनिश कर रही है टीम इतना सक्सेस। they sign, they देर साइनिंग डेविड डेविड जिनोला जो भी है बैटी और कौन क्रिस सटन नहीं वो नहीं, जो जो भी बच्चों दिए बड़े बड़े प्लेयर साइन कर रहे हैं क्लब ग्रो कर रहे चिंता वाली कोई बात नहीं बट फिर सर जॉन हॉल छोड़ के चला गया इस जॉब को 2007 में माइक एस्ट्रो ने इसको खरीदा तो मतलब उस उस जो वो जो पीरियड था जिसमें यूनाइटेड को टक्कर दे रहे थे देवर फैन फेवरेट्स न्यूट्रल के फेवरेट्स देवर कॉल्ड एज एंटरटेनर्स कतल थे एवरीबडी वॉन्टेड डेम टू विन न्यू इतने पॉजिटिव पीरियड से ऐसी गण में और एम्बिशन देख रहे हो तुम देखो 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 ये वही बात हो गई कि दो बच्चे फॉर्म भरते हैं आई जाने का पर एक बी एस में रह जाते हैं और दूसरा निकल जाता आराम से मैं बात कर रहा हूं जब रोमन एब्रामोविच चेल्सी के पास गया और जब माइक एशली न्यूकासल के पास गया बोथ वर्ड सपोज टू तो बी ग्रेट क्लब्स टू चैलेंज फॉर द प्रीमियर लीग चैंपियंस लीग में खेलना बड़े बड़े क्लब्स क्योंकि टेक ओवर हो रहा था तमी से बात करो और एक देखो कफ सी गाने मरी पड़ी और एक चेल्सी को देखो जो काफी कुछ जीत गया मान लेते हैं देख रहे हो तो एट द एंड ऑफ द डे पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है लौड़ा भी नहीं ऐसे बहुत सारे केसेस जहाँ पे पैसा लगा बट कुछ हुआ नहीं बोल्टन वॉन्डर नहीं वो नहीं शायद से ब्लैकबर्न रोवर्स मालागा और कौन अपना ऐसे ऐसे क्लब्स जिन पे पैसे लगे टेक ओवर हुआ बट कुछ हुआ नहीं लौड़ा भी कुछ नहीं हुआ सनल है लोड़ा तुम आसनल जब से डेविड डीन ये सब गए हैं स्पोर्टिंग डायरेक्टर क्या कर रही है आसन आसनल कुछ नहीं कर रही कौन अपना वो स्टैंड करेंगी कौन है चीजें चीजें पैसे पे नहीं होती सिर्फ यूनाइटेड के पास कितना पैसा है प्राइमरी जीत रही है लौड़ा भी नहीं है ना <laughs> तो आज हम बात करने वाले कि कैसे माइक एशली तेरह साल टिक गया यार कैसे टिक गया माइक अगर तुम कभी देखो ना न्यूकासल का स्टेडियम तो तुमको एक चीज हमेशा देखी फीफा में कहीं भी स्पोर्ट्स डायरेक्ट डॉट कॉम ये माइक एशली रिटेल टाइकून है ये बिजनेस मैन है कतल इसका रिटेल का बिजनेस है धंधा इसका स्पोर्ट्स डायरेक्ट इसकी पूरी कंपनी एंटिटी जो भी है ये इसको प्रमोट करता है अपने स्टेडियम में न्यूकासल में एंड ही पेज नथिंग फॉर दैट विच इज शॉकिंग और तुम कि क्यों क्यों पे करेगा उसका खुद का क्लब है एंड पीपल क्वेश्चन कि ही रन न्यूकासल द सेम वे एज ही रन स्पोर्ट्स डायरेक्ट ही डजेंट नो हाउ टू रन अ फुटबॉल क्लब हर कोई ये बोलता है एंड यू कैन से जो सर जॉन हॉल जो प्रीवियस था, प्रेविस था ओनर सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट नहीं ये है ये इंपॉर्टेंट है लव इंपोर्टेंट है एम्बिशन टू है क्लब जो सोचते हैं फुटबॉल टर्म एट द डे पैसा कितना भी अचे ये बोलता है फॉर एग्जाम्पल मैन सिटी जो इतना तगड़ा करी पता क्यों क्योंकि इनके पास बहुत तगड़ा ओनर तो था ही जिसके पास प्लान थे ओनर अच्छे उनके स्पोर्टिंग डायरेक्टर बड़ा फार चिकी, जो भी नाम है, चिकी समझदार था उसकी रिक्रूटमेंट फार थी डे फुटबॉल दिमाग और माइक एसा है नहीं थे। 72 ऐसा कुछ बंदा जो उस क्लब में काम कर रहा था जो स्पोर्टिंग चीजें देखता था और उसको कंप्यूटर ईमेल खोला नहीं आता था ये स्टोरी थी न्यूकाशिल की अंडर माइक एशली ऐसी कोई बात नहीं है दो हजार सोलह अठारह ऐसे कुछ है उस तक न्यूकासल की हाइएस्ट साइनिंग क्या पहुंची थी सोलह मिलियन माइकल ओवन जो दो हजार आठ नौ में जो मुझे पता नहीं कब से नौ में शायद से सोलह मिलियन दो हजार सत्रह अठारह तक ऐसे कुछ सिंह था जो मुझे याद नहीं सोचो इतने इतना गंदा टर्न हो रहा है कमर्शलाइजेशन आ रही है पैसे मिल रहे हैं टीवी रेवेन्यू बट स्टिल तो, पैसा नहीं फेंक रही क्यों नहीं पैसा फेंक रही अच्छा नहीं। क्वेश्चन क्यों नहीं, क्यों नहीं फेंका क्यों क्यों तो क्योंकि जब इनिशियली तुम पैसा फेंकते हो लॉसेज होते दबा के लॉसेज होते क्योंकि रिजल्ट नहीं मिलता ऑब्वियसली तो दो ऑप्शन होते हैं यू कीप ऑन कीप ऑन इन्वेस्टिंग विच यू कट एक्सपेंसिस कट कॉस्ट फ्री स्टेडियम टिकट ये सब बच्चू थी दिस इज वट माई कैशलीटेड बाय फुटबॉल ब्रेन क्योंकि ही वॉज रोमन एप्रिकेम वॉज सपोर्टेड बाय गुड फुटबॉल ब्रेन बट ये लौड़ा भी नहीं यहां पर तो पता नहीं पता शुरुआत में पहले दिन क्या था जब माई कैशली न्यूस में आया था आराम से स्टैंड पर खड़ा हो गया जिससे जेन, पार्क के शर्ट पहन रखिए सब हर कोई बोल रखिए ये बंदा हमको चेंज करेगा ये करेगा क्या हुआ फर्स्ट इंप्रेशन की तो बढ़िया था अब क्या करा उसके बाद लड़ो अभी कुछ नहीं किया यार एंड द एक्सक्यूज ये बोलता है माइक एशली कि मेरा जो सारा पैसा वो स्पोर्ट्स डायरेक्ट के शेयर्स में अटका पड़ा यार मैं कैसे निकालू यारेलीगेट ये, ये हुए थे तेरह साल में दो बार रेलीगेट हो चुके हैं और जब ये रेलीगेट हुए थे दे हैड टू लेट गो ऑफ प्लेयर्स लाइक कोलोचिनी सोसोको बैक नहीं वो भी बड़े बड़े प्लेयर्स दे हैड टू लेट गो ऑफ उससे भी बहुत गंदा लॉस आया ऑब्वियसली तो एट द एंड दूर नॉट ओनली क्योंकि जब रेलीगेशन होगा तो प्रीमियर लीग की मनी नहीं आ रही रेवेन्यू नहीं आ रही चैंपियनशिप तो इतना इनको देखता नहीं लॉसेस 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 पाइल्ड अप 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 पाइल्ड पाइल्ड सो व्हाट ही डिड इज प्रमोट स्पोर्ट्स डायरेक्ट ताकि उसका पैसा चलता रहे और वो उसके लिए पे ना करे और उसका सब कुछ चलता रहे एंड देन ऑल्सो टू सस्टेन उसने बोला कि चल मैं क्लब को सेल करूंगा और तुम दो तीन साल से न्यूज पढ़ रहे हो कि क्लब सेल होने वाला सेल हो, पटलौना भी होता नहीं क्योंकि ये टिकने की टेक्निक है टिकने की टेक्निक है ये बकचोदी है तो ते, तेरह साल में काफी बकचोदी करी एक अप, क्लब लेजेंड को एलन से उसकी थोड़ी लड़ाई लड़ाई हो गई थी केविन कीगन से कीगन से भी हो गई थी ही इज अगेंस्ट हर कोई इसको हेट करता है अगर कर कोई भी न्यूकास्टर का बंदा देख रहा हो तो हर कोई उसको हेट करता है एंड ऑब्वियसली रीजन बने वो दे बैक फॉर इट ऑब्वियसली बट अब फाइनली ये चेंज होने वाला है अब फाइनली ये होने वाला है अगेन क्यों क्योंकि कोरोना वायरस में शायद से उसके एक काम चल रहा है मे बी ही वॉन्ट्स इंस्टेंट मनी तो वो पैसे ले रहा है ऐसा कुछ बच्चे ऐसा कुछ शायद ये रीजन होगा अब सऊदी अरेबिया नहीं आ रहा तो क्या हो गया खत्म अब आ गया है वो अनलिमिटेड बनी आ गया, गया। जी में हो गया काम इतना आसान नहीं है रावड़ा भी नहीं क्योंकि अगर हम कंपेयर करें जो सिटी की ग्रोथ थी जब शेख मंसूर वहां पर आया था वो ग्रोथ क्यों थी कैसे थी उन्होंने पहले दूसरे सीजन में पैसा दबा के फेंका था बट यहाँ नहीं फेंक सकते अब एफ एफ पी है पहले एफ एफ पी नहीं थी इतनी अब एफ एफ पी है अब फुटबॉल लीग्स होते हैं अगर तुम्हारी खबर पकड़ेगी जेल में डाल दें गाने गाने कम करते हैं खत्म काम खत्म सारा बिजनेस खत्म तो अब तो सावधान रहना पड़ेगा एंड एफ एफ पी वर्स कि तुम जो उतना ही पैसा खर्च करोगे जितना तुम्हारा क्लब ले कमाता है अपनी जेब से इतना नहीं खर्च कर सकते तुम लाड़ा भी नहीं तो यानी कि रिवें कॉमर्शलाइजेशन करनी पड़ेगी सबसे पहले क्लब में घुस के ब्रांड्स बनानी पड़ेगी ये सब वो उसके अंदर ही आ गया ट्रेनिंग ग्राउंड क्लब में इन्वेस्ट करना होगा कम्युनिटी में इन्वेस्ट करना होगा जो सर जॉन हॉल है उसने पता क्या बोला इसके बारे में कि आई वुड वेलकम दिस शेख वाला बंदा जो भी है इफ ही इन्वेस्ट्स इन द कम्युनिटी जो टून आर्मी जो मैक्पीस जो भी न्यूकासल के बंदे हैं इनमें इन्वेस्ट करें क्लब का बंदा बन जाए वो यानी कि सिर्फ पैसा फेंका अंडरस्टैंड करो कि तरह के वो मैच देखने भी नहीं आ रहे नहीं। नहीं। ये बकचोदी तो मनी गारंटी की अब ये हो जाएंगे ऐसा लॉर्ड भी ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि एम रोनाल्डो सेंड कर रहे ऐसा नहीं होने वाला में बापे आएगा बट <laughs> ये ये चीट को टेब यही हो गया कि बस पैसा लाओ और ये करो नहीं और इसका आंसर है नहीं इसका आंसर है नहीं डिस्पाइट ऑफ क्लब्स लाइक यूनाइटेड इन सबसे दबा दबा के पैसा है फुटबॉल ब्रेन नहीं है फाइनेंशियल है है ना तो एट एंड ये सच रहेगा चाहे कितना भी पैसा आ जाए फुटबॉल ब्रेन ही प्रीडोमिनेंट होगा फॉर एग्जाम्पल आर्सन लो पता है एक एक बार टाइम पे आर्शन और आर्सन डेविड डीन जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर डरे, फुटबॉल था उस टाइम पे इनकी पार्टनरशिप कतल थी ये फ्रांस से स्काउट करते थे बंदे ये यंग यंग थियरी ऑनरी को स्काउट किया था वो उस टाइम पे कुछ भी नहीं था स्टार बना दिया लेजेंड बना दिया कब का डेनिस इंटरम में स्ट्रगल करा था लेटल ही वॉन्टेड टू लीव स्ट्रगल करा था साइन किया लेजेंड तो एट द एंड ऑफ द डे स्काउटिंग फुटबॉल ब्रेन टैलेंट को तराशना ये चीजें ही मानी जाएंगी और यही इस क्लब को आगे बढ़ेंगी एंड ऑब्वियसली इंटेंट मैटर करती सिटी में अगेन सिटी बहुत ही तगड़ा क्लब हो चुका है no तुम, 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 उनको कितना भी क्रिटिसाइज करो उन्होंने अपने शेयर्स न्यूयॉर्क सिटी को खरीद लिया मुंबई सिटी एफ सी ओ खरीदे हैं ये जो भी हर जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दे आर ब्रांड को बढ़ा रहे हैं अच्छी तरह क्योंकि एफ एफ पी से ताकि चुता जो भी बक्सुदे ठीक है तो बहुत ही लंबा प्रोसेस है ऐसा नहीं है नहीं कि आराम से निकल जाएंगे बिल्कुल भी नहीं होगा ऑब्वियसली क्योंकि इस टाइम पे एफ भी है बट बट एंड में ये बोलना चाहूंगा कि न्यू का स्टेडियम कतल है न्यू का स्टेडियम बहुत बड़ा है फैंस बहुत ज़्यादा है लॉयल है लिटरली हर गेम में टर्न ओवर तगड़ा होता है बट फॉरन फैन बेस इतना तगड़ा नहीं है कोई न्यू का इतना बड़ा फैन नहीं है इंडिया में कोई है कोई यूएसए में है लगता नहीं ज़्यादा नहीं होंगे है ना जितने यूनाइटेड लेवपोल इन सबके हैं ना बट सिटी के भी उस टाइम पे नहीं थे तो ठीक है कह सकते हैं जो भी है तगड़ा फैन बेस एक बड़ा स्टेडियम चैंपियंस लीग फुटबॉल यहाँ पे आ सकता है चीजें यहां पे बड़ी हो सकती है बट दे नीड फुटबॉल एंड पहली बात की स्टीव ब्रूस जो मैनेजर है वो मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए या तो वापस अपना कौन है अपना राफा बनीता कह रहे हैं मोरिशी अपॉचुन को लाएंगे जो भी बक्च होती है एंड देन साइनिंग प्लेयर्स स्पेंडिंग मनी क्योंकि दे डिड स्पेंड मनी दे हैड मनी बट दे स्पेंड मनी बिकॉज मैनेजर वॉन्टेड टू सस्टेन ओनर वॉन्टेड टू सस्टेन क्योंकि अगर वो करेगा और सक्सेस नहीं हुआ तो फिर लॉस होगा फिर वो समझ लो ये पूरी ऑन गोइंग साइकिल है जो शायद सब खत्म होने को आ रही है और एक नई चीज दिखने को आएगी ऑब्वियसली देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा क्या बक्चुअ देखते हैं और यह बात तो पक्का होगी कि अगर ये सक्सीड करेंगे तो यानी या तो इन्होंने बहुत तगड़ा स्पोर्टिंग डायरेक्टर को साइन कर लिया तगड़ा मैनेजर या फिर एट द एंड ऑफ द डे फुटबॉल मैं बोल रहा हूँ ठीक है